ही गाइज़, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। सो गाइज़, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ये करवा चौथ मेकअप लुक। आप चाहें तो इसी रेड साड़ी पे कैसे मेकअप करें उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और रेड साड़ी पे अगर आप इस तरीके से मेकअप करेंगे तो काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत लगेगा, बिकॉज़ रेड साड़ी पे काफ़ी हैवी मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपने खुद एक हैवी मेकअप किया हुआ है। लेकिन अगर आप इस तरीके से मेकअप करेंगे तो ना हैवी लगेगा ना सिंपल लगेगा, एकदम परफेक्ट लगेगा। तो चलिए हम हमारी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सो गाइस, सबसे पहले आपको अपनी स्किन पे अच्छे से टोनर को अप्लाई करना चाहिए। टोनर से आपकी स्किन काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है। और टोनर आप चाहें तो किसी और मतलब किसी और ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे आल्प्स गुडनेस का लिया है, काफ़ी अफोर्डेबल है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोग हमेशा बोलते हो दी कोई अफोर्डेबल प्रोडक्ट दिखाया करो। जो प्रोडक्ट महंगे होते हैं वो मैं पहले बता देती हूँ। तो जैसे कि ये प्लम का सीरम, ये वैसे तो मसाज ऑयल है लेकिन मैं इसे सीरम की तरह यूज़ कर रही हूँ मेकअप में, क्योंकि ये आपकी स्किन को काफ़ी ग्लोई बनाता है। थोड़ा सा कॉस्टली है गाइस, बट ये ना एक मैजिक ऑयल है, मैजिकल ऑयल है, क्योंकि आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा बोल सकते हो कि ग्लोई दिखाता है। दिखाता नहीं, आपको इसको अप्लाई नहीं करना है। अगर आप 8-10 दिन इसको रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करेंगे ना, तो देखिए आपकी स्किन कितने अच्छे से ग्लोई हो जाती है। तो मैं इसे ज़रूर यूज़ करती हूँ। देन उसके बाद मैंने ये बनेला की मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ की है एस्ट्रा मॉइस्चराइज़र के लिए, क्योंकि आप जितने अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करोगे उतना सही रहेगा। प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे पर्पल का प्राइमर लिया था, आप ले सकते हैं। मुझे वो क्लिप नहीं मिली तो मैंने उसको ऐड नहीं कर पाई, इसके लिए सो सॉरी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे अपने आईब्रो को डिफाइन किया है बेट एंड वाइल्ड के आईब्रो पैलेट से, और ये पैलेट बहुत अच्छा है गाइज। इसमें दो सेड आपको मिल जाते हैं, एक ब्लैक एक ब्राउन। तो आपको जो भी आपको ऐसा लगे कि ये आपके आईब्रो पे परफेक्ट जाएगा, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। सो ये देखिए, मैंने अपने आईब्रो को अच्छे से क्या बोलते हैं डिफाइन कर लिया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे डार्लिंग ईसावेला का कंसीलर लूँगी, क्योंकि ये कंसीलर मुझे इसलिए पसंद है, एक तो ये बहुत बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, प्लस इसकी जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये है कि ये बहुत जल्दी सूखता नहीं है। ऐसा कई बार होता है कि हम अप्लाई करते करते हमारा जो कंसीलर है वो एक ही जगह पे स्टिक हो जाता है, तो ये इसके साथ ऐसा नहीं है, जो कि मुझे इसमें अच्छी चीज़ लगी। इसके बाद मैं यहाँ पे लैक्मे 925 लूज पाउडर से अपने कंसीलर को जो है वो सेट कर लूँगी। आप अपने कंसीलर को ज़रूर से ज़रूर सेट करें, क्योंकि अगर आपने अपने कंसीलर को अच्छे से सेट नहीं किया तो वो बाद में क्रीज लाइन मतलब पैची पैची सा दिखेगा। उसके बाद आप एक बेट एंड वाइल्ड कम्फर्ट जोन आई शेडो पैलेट से एक ट्रांजेक्शन कलर लीजिए, जो कि मैंने लिया हुआ है, और उसे तब तक आप ब्लेंड कीजिए जब तक आपको आपका डार्क कलर नहीं मिल जाता है। डार्क कलर यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ आपने एक बहुत ज़्यादा डार्क कलर की साड़ी पहनी हुई है, सो आपको डार्क कलर की काफ़ी ज़्यादा नीड रहेगी इस मेकअप में। सो आप अच्छे से इसे ब्लेंड कीजिए तब तक जब तक आपको आपका कलर नहीं मिल जाता। ये देखिए मेरा जो कलर है, मुझे मेरा कलर मिल गया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन किट में से ये वाला मतलब आई शेडो पैलेट में से ये वाला आई शेडो लूँगी, जो कि है ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, जो कि अगर आप इसे दोनों को मिक्स करके ब्लेंड करते हो ना तो एक रेडिश सा कलर होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि रेड कलर होता है, रेडिश मतलब कि ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा लाइट। आप इसे भी अगेन अच्छे से ब्लेंड कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ, आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक ले जाइए, और करते करते जब तक आपको ऐसा लगे कि आपका डिज़ायर कलर आपको मिल गया, देन उसके बाद आप इसे एक कंसीलर लीजिए। कंसीलर मैंने अगेन वही लिया जो मैंने पहले यूज़ किया था डार्लिंग ईसावेला का, और इसे अपनी इनर कॉर्नर से आई लीड तक ले जाइए। आप इसे आउटर कॉर्नर तक मत ले जाना, इनर कॉर्नर से आई लीड तक ले जाइए, और इसके बाद एक पाउडर की हेल्प से इसे सेट कर दीजिए, वरना ये क्रीज कर देगा आपकी आई शेडो को। सो आप एक पाउडर की हेल्प से इसे सेट करने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर सिल्वर गोल्डन जो भी आपको लगाना है वो आप कलर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गोल्डन लिया हुआ है, बिकॉज मुझे अपना आई मेकअप जो होता है ना वो गोल्डन रेड का ज़्यादा अच्छा लगता है, और साड़ी पे मेरी गोल्डन ही है, सो मैं इसे ऐसी तरीके से यूज़ करूँगी। देन इसके बाद अगेन आप वही सेम ऑरेंज सेड लेके अपनी इन आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक ले जाइए, ताकि आपका जो आई मेकअप है वो अच्छा सा दिखे। सो ये देखिए मैं कुछ इस तरीके से करूँगी। देन इसके बाद मैं दोनों आई मेकअप को सेम कर लूँगी,
ताकि आपका जो आई मेकअप है काफ़ी खूबसूरत लगे। सो आप इस तरीके से अपना आई मेकअप कर सकते हैं। इजी है, सिंपल है, हर कोई इसे कर सकता है। देन इसके बाद आप लाइनर के लिए, मैंने यहाँ पे लैक्मे का लाइनर लिया है, आप चाहें तो कोई और ले सकते हैं। ये मुझे काफ़ी पसंद है बिकॉज़ ये वाटर प्रूफ है। तो आप लोगों ने मोस्टली मुझे ये वीडियो में देखा होगा, ग्रीन लाइनर, ब्लैक लाइनर में मुझे ये वाला और ग्रीन में मुझे एन वाई का, ये दोनों मेरे फेवरेट लाइनर हैं जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और आप लोग बोलते हो दी आप लाइनर कैसे अप्लाई करते हो, तो ये देखिए मैं कुछ इस तरीके से लाइनर लगाती हूँ। और आप इस तरीके से लाइनर लगाएंगे तो आपका लाइनर बिखरेगा नहीं, और आप हमेशा अपनी नज़रों को नीचे रखें ताकि आपका लाइनर फैले नहीं, नहीं तो ऊपर रखोगे तो ऑब्वियसली वो फैल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना लाइनर लगा सकते हो। लाइनर थोड़ा मोटा पतला वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे लगाना है। मैंने थोड़ा मोटा ही लगाया है। और ये देखिए मैंने दोनों आँखों पे अपने लाइनर लगा लिया है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे पर्पल का ये क्या बोलते पर्ली काजल यूज़ किया है अपनी आईब्रो के नीचे, ताकि मेरी आईब्रो जो है वो काफ़ी शार्प लगे। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी वाटर लाइन पे भी अगेन वही काजल अप्लाई करूँगी, ताकि मेरी जो आईज़ मेकअप है वो काफ़ी निखर के और अच्छा दिखे। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये है मेबेलिन न्यूयॉर्क का मस्कारा। ओ माय गॉड, इस मस्कारे की मैं बस एक बात बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये इसका फैलने का बिल्कुल टेंशन ही नहीं हो, क्योंकि ये ड्राई क्रीमी है और ये इतनी इजीली आपकी आई मतलब लैसेस पे अप्लाई हो जाता है कि इस पे आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई लैसेस का मैं यूज़ इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि हर कोई आई लैसेस यूज़ नहीं करता है, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। कई लोग तो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, कई लोग नहीं यूज़ करते हैं, तो उनके लिए आप इस तरीके से मेकअप करोगे तो आपके आई ऑब्वियसली पहले से ही इतनी अच्छी लगेंगी कि आपको आई लैसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन मैंने यहाँ पे फाउंडेशन के लिए लिया हुआ था मिलानी का फाउंडेशन, थोड़ा सा कॉस्टली है गाइस, बट मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मिला था जब मैंने परचेज़ किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। बिकॉज़ हमें हर दिन मेकअप दिखाना होता है, तो हम एक ऐसे ब्रांड का मेकअप यूज़ करेंगे जो हमारी स्किन को हार्म ना पहुँचाए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई और ब्रांड हार्म पहुँचाता है, नहीं, लेकिन हाँ ये है कि आप उसे रेगुलर यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली मेकअप तो मेकअप है, थोड़ा बहुत तो आपके फेस पर उसका असर दिखेगा। तो आप चाहें तो कोई और फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने एन बाय का ये कॉन्टोर सेड लिया है, ये कलर करेक्टर पैलेट है, इसमें आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। सो मैं इस तरीके से अपनी नोज़ को ओनली कॉन्टोर करूँगी बिकॉज़ मेरा फेस ऑलरेडी आपको कॉन्टोर जैसा लगेगा, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा पतला है, लेकिन मेकअप की एक दो लेयर चढ़ने के बाद मेरा फेस मुझे अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि ये देखिए मेरा फेस काफ़ी भरा भरा लगता है। देन इसके बाद आप एक कॉम्पैक्ट से अगेन उसी लूज़ पाउडर से अपने बेस को सेट करिए, ताकि आपको कोई क्रीज लाइन आपके फेस पे भी ना पड़े, आपका जो फाउंडेशन है वो पैची पैची ना दिखे। सो अच्छे से अपने फेस को क्या बोलते पाउडर से सेट कर दें। देन उसके बाद आप ब्लशर को यूज़ करें। ब्लशर आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी, लेकिन मैंने यहाँ पे रेवोल्यूशन का ब्लशर और हाइलाइटर पैलेट लिया है। ये एक में आपको काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, और आपको ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने गालों को ज़्यादा गुलाबी तो नहीं करना है, और मैं तो लाइट ही करती हूँ ताकि वो नेचुरल लगे। देन इसके बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ करूँगी अगेन उसी पैलेट में से। इन सब की वाई लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, सो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी करवा चौथ सेल चल रही है, तो जो भी प्रोडक्ट 1000 के हैं ना वो 800 के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो अभी टाइम है गाइज, ले लीजिए, क्योंकि बाद में ये टाइम मिले ना मिले, ये सेल अगेन लगे ना लगे, सो आप लोग ज़रूर लीजिए, क्योंकि आगे तो फेस्टिव सीज़न ही है पूरा, तो काफ़ी त्यौहार आएंगे, मेकअप करना होगा तो आपके पास प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए। देन उसके बाद मैं हाइलाइटर को अपने हाई पॉइंट पे यूज़ करूँगी, और देन अच्छे से आपने देखा कि मैंने अप्लाई किया है हाइलाइटर को, ताकि आपका मेकअप काफ़ी ग्लोई डूई बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस दिखे। देन इसके बाद मैं यहाँ पे डार्लिंग इसाबिला की लिपस्टिक यूज़ करूँगी। आप लोग मुझे बहुत सारे वीडियो में ये लिपस्टिक देखते होंगे लगाते हुए, लेकिन क्या करूँ गाइस, ये लिपस्टिक मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि इसके सामने मुझे कोई और लिपस्टिक पसंद ही नहीं आती। ऐसा नहीं है कि मेरे पास और कोई लिपस्टिक है नहीं, मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक हैं, लेकिन इसका कलर जो है ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और मेरी साड़ी से बिल्कुल बिल्कुल मैच कर रहा था,
सो ये देखिए मैंने अपनी लिपस्टिक को अपनी लिप्स पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। देन अब मिलती हूँ मैं मेरी फाइनल लुक के साथ। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप गाइज कि आपको ये मेरा लुक जो है काफ़ी खूबसूरत लगेगा, अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी हिट कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइज ये है मेरा फाइनल लुक। बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। अच्छा लगे तो भी मुझे बताइएगा, और अगर कोई गलती है तो भी बताइएगा, अगर कोई वीडियो सजेशन है तो भी बताइएगा, कोई रिक्वेस्ट है तब भी बताइएगा, क्योंकि आप लोग जो बोलोगे हमें तो वही करना है। हमारा काम है आप लोगों की बातों को अपनी वीडियो में दिखाना, लाइक जैसे आप लोग रिक्वेस्ट करते हो तो उसको पूरा करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय, शू शू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।